हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये सबसे बड़ा नॉलेज हब नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन समय में भी रहा है। और बता दें एक बार फिर से इसका नाम पूरे देश दुनिया में गूंजेगा। तो देखिए दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी पेड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, और ये देखिए अंदर की तस्वीर यहाँ पर स्टेज की, और एक उत्कृष्ट मिथिला क्षेत्र प्रधानमंत्री के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी अच्छी यहाँ पर एक पिक्चर देकर के दिया जा रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री को। और ये देखिए ऑडिटोरियम की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितनी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और स्टेज पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्तियों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बिहार के राज्यपाल RBR लेकर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यहाँ पर मौजूदगी है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी मौजूदगी है। और आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी इस दौरान स्टेज पर मौजूद हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव एक बार फिर से लौटाने के लिए प्रधानमंत्री ने नए कैंपस का उद्घाटन किया है। और बता दें आपको कि 800 साल का लंबा समय लगा है और ये भारत सरकार का निर्णय काफी सराहनीय, बिहार सरकार का बड़ा समर्थन भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परिसर के लिए 455 एकड़ जमीन दी और प्रधानमंत्री का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया था, खासकर G20 में, और इसकी वजह से पूरा देश जो है वो गौरव महसूस करता है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत ही शुभ क्षण है कि लंबे इंतजार के बाद उद्घाटन का ये समय, इसका नवीनीकरण किया गया, पुनर्जन्म हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी का, और इसका जो असर है वो विश्व पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से जीवित हो चुका है, पुनर्जन्म हुआ है और इसका नवीनीकरण बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया है। सुविधाओं काफी कुछ सुविधाओं से लैस किया गया है, इसमें एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई। देखिए दो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, नए कैंपस का उद्घाटन किया गया और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो नालंदा खंडहर को, नालंदा के पुराने दीवारों को यहाँ पर देखते हुए की तस्वीर है और उद्घाटन करते हुए की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया गया, आज का दिन बेहद खास बिहार वासियों के लिए भी, पूरे भारत वासियों के लिए भी। सबसे बड़ा नॉलेज हब प्राचीन समय में भी नालंदा विश्वविद्यालय था, शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था जिसमें कि पूरे विश्व के लोग जो है स्कॉलर्स पुराने समय के भी पढ़ने के लिए आया करते थे, स्टडी किया करते थे। और आपको बता दें कि जापान, कोरिया, चीन, यहाँ के जो स्कॉलर्स थे वो पढ़ने के लिए आया करते थे, भूटान के भी कई लोग यहाँ पर आया करते थे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय ही था जो कि शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, और आज के समय में एक बार फिर से उद्घाटन कर दिया गया है और सभी को उम्मीद है कि एक बार फिर से इसका प्रभाव जो है पूरे विश्व पर पड़ेगा। और जैसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का छाप पूरे देश भर में था, एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय अपनी छाप पूरे विश्व भर में छोड़ेगा। तो 800 साल के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव लौटा है और ये बिहार के लिए बेहद ही खूबसूरत दिन कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का होना बिहार के लिए अपने आप ही एक कहें तो गौरव की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और यहाँ के लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय का यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसका असर पूरे विश्व में पड़ने वाला है जैसे पहले हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय का। सबसे बड़ा नॉलेज हब हुआ करता था एक समय पर नालंदा विश्वविद्यालय, और आज भले ही कई सारे कॉलेजेस हैं भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय, लेकिन
बता दें कि आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो नालंदा यूनिवर्सिटी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये देश और विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, चूंकि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं। और आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से इसे सभी लोग जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, और इतिहास के अनुसार बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद ये खंडहर में तब्दील हो गया। और कहा यह जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी, इतने बुक्स थे कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई थी। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इस आक्रमण में यहाँ पर कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया था आक्रमणकारियों के द्वारा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था, उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके। इट इज आल्सो अ मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर मी टू वेलकम आवर रॉक स्टार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। Minister of State for External Affairs, Sri Pavitra Margarita, the excellencies and diplomats from partner countries of Nalanda, distinguished members of the central and Bihar state governments, and media persons. Last but definitely not least, I welcome our very own students and faculty who, after all, define the university. Thank you. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज नालंदा में है, नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बता दें आपको कि 16 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का यहां पर जो धरोहर है पुरानी, उनका मुआयना भी किया नरेंद्र मोदी ने, और नए कैंपस का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। बता दें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां पर उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया और प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधा भी लगाया। पीएम के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हाड़लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नालंदा में मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की बिहार में ये पहली सरकारी यात्रा कहा जा सकता है, और माना जा रहा है कि पीएम इस दौरान एनडीए की मजबूती और नीतीश कुमार के साथ एकजुटता का भी मैसेज दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जी एंड श्री विनय कुमार सिन्हा जी, मिनिस्टर श्री विजय चौधरी जी, श्री श्रवण कुमार जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री विवेक ठाकुर जी, श्री कौशेन्द्र कुमार जी, चांसलर प्रोफेसर अरविंद पनगरिया जी, वाइस चांसलर अभय कुमार सिंह जी, एक्सेलेंसी, इंडियाज विजन एंड पोजिशन। आप ये देख पा रहे हैं लगातार न्यूज 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला है, न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। और आपको बता दें कि इसका प्रभाव, इसका छाप पूरे विश्व भर में पड़ने वाला है। You are all well conversant with the great reputation of the ancient